हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडी अलायंस के बीच दिखने वाली दरारों की, जो वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रहे हैं। और ये दरार हमें दिखती है इस अलायंस की दो इम्पोर्टेंट पार्टीज के बीच, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आप लोगों को पता होगा कि नवंबर में मध्य प्रदेश में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और इस अलायंस के पास सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जिसके चलते 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें ये पता होता कि अलायंस स्टेट लेवल पर नहीं है तो वो समाजवादी पार्टी के लीडर्स को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पास नहीं भेजते। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये पता होता कि कांग्रेस उनके साथ धोखा करेगी तो वो कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करते। और ध्यान देने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने 18 अक्टूबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 22 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट डिक्लेयर कर दी थी। और इस बात पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रेसिडेंट अजय राय, जिन्हें हाल ही में अखिलेश यादव ने चिरकुट कहा था, उन्होंने कहा कि उस इंसान से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं जिसने खुद के पिता का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उससे लग रहा है कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। खैर, वो तो अगले साल ही पता चलेगा कि क्या होगा। अब इस वीडियो में हम थोड़ा इंडी अलायंस के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इन शॉर्ट इंडिया, ये एक पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें देश की 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इस अलायंस को लीड करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस अलायंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मौजूदा बीजेपी के लीडरशिप में चलने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए सरकार को 2024 लोकसभा इलेक्शंस में हराना। इस अलायंस की अब तक 3 मीटिंग्स हुई है, एक बिहार के पटना में, दूसरी कर्नाटक के बेंगलुरु में और तीसरी मुंबई में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा इस अलायंस से जुड़ी ऐसी कई खबरें आ चुकी है जिसमें इस अलायंस के बीच के आपसी मतभेद सामने आए हैं, जैसे कि पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी। अब ये देखने वाली बात है कि ये अलायंस क्या 2024 लोकसभा इलेक्शंस तक टिकेगा या फिर ऐसे ही गिरता चला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इंडियन पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री और करंट इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें।